नमस्ते, आशीष सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं मिस्टर मुन्ना भाई यूट्यूब चैनल। 2014 से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान मोदी सरकार लगातार 70 साल से देश को लूट रहे कांग्रेस और वामपंथियों की सरकार को देश से उखाड़ फेंकने की जो कड़ी पकड़ी है उससे पूरा विपक्ष थर्रा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कभी वो सीट जीतने वाली पार्टी आखिर कैसे बनी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी? आखिर कैसे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिलकर भाजपा की नींव रखी और मोदी जी ने उनके सपनों को एक नई उड़ान दी? सब बताएंगे आपको हम इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष राजनीति के जवाब में राष्ट्रवाद के समर्थन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। जनसंघ ने समाजवादी और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा था। 1951 से 1977 तक भारतीय जनसंघ के नाम से जाने जाने वाला यह संगठन अपने उग्र राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता। भारतीय जनसंघ शुरू से ही कश्मीर की एकता, गौरक्षा और परमिट लाइसेंस कोटा को राज खत्म करने जैसे मुद्दों पर जोर दिया। 1977 में आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी के निर्माण के लिए भारतीय जनसंघ का अन्य दलों के साथ विलय हो गया। भारत में छठा लोकसभा चुनाव 1977 में हुआ था। आपातकाल मार्च 1977 तक चला। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जनसंघ मोर्चा से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस बार लोकसभा की सीट 542 हो गई थी। चार विपक्षी दलों कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने जनता पार्टी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा। जनता पार्टी ने 330 सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी का गठन। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में उस वक्त हुआ जब देश में गठबंधन की सरकार 2 साल तक चली। अब तक भारतीय राजनीति में समाजवादी और राष्ट्रवादी दो धड़ बन चुके थे। समाजवादियों और हिंदू राष्ट्रवादियों का मिश्रण जनता पार्टी 1979 में विभाजित हो गई। भारतीय जनसंघ के दो बड़े चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी को छोड़ दिया और एक अलग पार्टी को बनाने का फैसला। पहली बार 1984 के लोकसभा चुनाव में पार्टी मैदान में उतरी। हालांकि उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और पार्टी को सिर्फ 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 2 से लेकर 89 सीट तक का सफर भाजपा के लिए 1984 का चुनाव परिणाम निराश करने वाला था। पार्टी ने तय किया कि अब कांग्रेस पर और भी ज्यादा हमलावर होना पड़ेगा। इसके साथ ही जातिगत और धार्मिक आधार पर पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत समझी थी। भाजपा ने बोफोर्स कांड के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। इस चुनाव में भाजपा को 89 सीटों में जीत दर्ज मिली और उन्होंने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन भी दिया। भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुआ राम मंदिर मुद्दा। भाजपा नेताओं ने समझ लिया था कि अब बाहर से समर्थन देने के बजाय सत्ता की चाबी को हाथ में लेने का वक्त आ गया है। ऐसे में राम मंदिर मुद्दे से बेहतर और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे को भुनाने का फैसला किया। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या के लिए रथ यात्रा आरंभ की। यात्रा के कारण होने वाले दंगों के कारण बिहार सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी तरफ भाजपा ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से समर्थन वापस। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद 1991 में चुनाव हुए। चुनाव के परिणामों के बाद एक त्रिशंकु संसद बनी जिसमें 232 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी और 120 सीटों के साथ भाजपा दूसरे स्थान पर रही। जनता दल सिर्फ 59 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर। पहली बार बनी भाजपा की सरकार। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को कार सेवकों द्वारा ढहा दिया गया था। 5 साल सरकार चलाने के बाद आखिरकार देश में 1996 में चुनाव हुए। इस चुनाव में भाजपा को जबरदस्त फायदा हुआ था। हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हुआ और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, जब केंद्र में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में सरकार का गठन हुआ। लोकसभा की कुल 543 लोकसभा सीट में से भाजपा को 161 सीट, कांग्रेस को 144, जनता दल को 46 सीटें मिली थी। राष्ट्रपति ने भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि वे संसद में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई को प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला लेकिन समर्थन ना जुटा पाने पर 13 दिनों के बाद ही उनकी सरकार गिर गई।
भाजपा सरकार गिरने के बाद जनता दल के नेता देवेगौड़ा ने 1 जून 1996 को एक संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार का गठन किया। उसकी सरकार 18 महीनों तक चली। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया। 1998 में देश में फिर लोकसभा चुनाव हुए। इस बार 10 मार्च 1998 को 12वीं लोकसभा का गठन हुआ और वरिष्ठ भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 9 दिन बाद शपथ दिलाई गई। यह सरकार भी सिर्फ 13 महीनों तक चली। गठबंधन की प्रमुखता सहयोगी जयललिता के समर्थन वापस लेने से वाजपेयी की सरकार गिर गई। इस बार भाजपा को 182 सीटें मिली थी। 1999 में हुए आम चुनाव में एनडीए का गठन। इस चुनाव में भाजपा ने अन्य दलों के साथ मिलकर एनडीए का गठन किया, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ही एनडीए के पीएम उम्मीदवार थे। 1999 के चुनाव में कारगिल युद्ध भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वास्थ्य का लाभ ले रहे थे, तो दूसरी तरफ आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी सिर्फ और सिर्फ सांसद तक ही सीमित कर हो गए थे। भाजपा को एक नई ऊर्जा और एक नई चेहरे की दरकार थी। लगातार 2 चुनाव में मिली हार ने भाजपा को निराश कर दिया। नई भाजपा की शुरुआत। अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का युग अब समाप्त हो चुका था। भाजपा में मोदी का नाम उभर रहा था। पार्टी ने समझ लिया था कि अब नरेंद्र मोदी ही भाजपा की नैया को पार लगा सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यह तय हुआ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। मोदी मैजिक से मिली सबसे बड़ी चीज। 2014 के चुनाव में मोदी का मैजिक कुछ ऐसे चला कि पूरे देश में भाजपा की लहर दौड़ पड़ी। अब तक की सबसे बड़ी जीत भाजपा को इस चुनाव में मिली थी। 282 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ा दल बना और एनडीए की सरकार केंद्र में बनी। वापस 2019 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में मोदी सरकार लौटी और धारा 370 के संशोधन, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, अल्पसंख्यक की कुप्रथा, 3 तलाक का खात्मा करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मिली एक नई पहचान दिलाने तक, गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने तक और नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी लाने तक का काम मोदी सरकार ने किया है। उम्मीद है कि महामारी के बाद सरकार आगे अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का काम भी मोदी सरकार करेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों तक शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। नमस्ते।